रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के ड्रग्स से संबंधित कनेक्शन थे। दोनों के व्हाट्सएप चैट रिकवर किए गए हैं और पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन केस डायरी है। फिर से रिपीट करूं? नहीं, मैं एकदम सही आपने कहा। क्या आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। मैं अभी दो आप क्या होता है, मैं चाहता हूं कि इंटरव्यू छोटा रखूं आपके साथ। मैं कोई राजदीप सरदेसाई तो नहीं हूं, लेकिन आप इतने हमको तथ्य देने लगते हैं कि मुझे बार बार मुझे सवाल पूछना पड़ जाता है। तो मैं एक बार आप रिपीट कर लीजिए, फिर मैं आपको अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूं। रिया चक्रवर्ती जो स्टोरी बना रही थी ना, वो स्टोरी झूठी है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स चैट आदित्य ठाकरे के साथ थे और इट इज पार्ट ऑफ केस इन्वेस्टिगेशन डायरी। वो चैट रिकवर किए गए थे और केस नंबर के साथ बता रहा हूं मैं आपको, क्राइम नंबर 15 ऑफ 2020, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह, उस केस में ये चैट्स अवेलेबल है। उसी केस में दीपिका पादुकोण से लेके बॉलीवुड के कई बड़े हस्तियों को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया। बाद में क्या लेन देन हुआ कि बाद में वो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग में डाल दिया गया, इसके बारे में अभी डिटेल एक अलग से इंडिपेंडेंट एक्शन होने वाला है कोर्ट में, सेपरेट पार्ट है। लेकिन जो इस केस से संबंधित है वो इतना ही है कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे कनेक्टेड थे। कई मतलब ये घटना के कई मतलब महीनों पहले, साल पहले उसके पर्सनल प्रॉपर्टी के भी जो काम के डिस्प्यूट हुए थे उसमें भी आदित्य ठाकरे ने रिया को हेल्प की थी। अब एक सिंपल चीज है, दिशा का मर्डर होता है 8 को और 8 तारीख को ही रिया सुशांत को छोड़कर चली जाती है और 6 दिन में आज सुशांत का भी मर्डर हो जाता है। और रिया कहती है कि नहीं, मेरा कोई लेन देन ना, मैं आदित्य को जानती हूं ना, मैं ये और ना, एक स्टोरी अलग बताती है, बाद में निकलता है वो तो ड्रग्स के बिजनेस में है। तो अब ये है, ये बहुत मतलब इसको बोलते हैं 2+2 ऐसा है फोर। कि एक मिनट सर, राजदीप सरदेसाई जी ने अपने इंटरव्यू में वो सारे सवाल पूछे जो जनता के सवाल थे, जिससे संदेह हो रहा था रिया चक्रवर्ती के ऊपर, और रिया चक्रवर्ती ने बड़ी बेबाकी से उन सभी संदेह को दूर किया। जब उनसे पूछा गया कि आप 8 तारीख को ही आप क्यों चली गई, तो उन्होंने कहा कि सुशांत ने मुझे कहा कि आप इमीडिएटली चले जाओ, क्योंकि मेरे परिवार वाले लोग आ रहे हैं, मेरी बहन आ रही है, मेरे फादर आने वाले हैं, और जाहिर है उनके परिवार से रिया का रिश्ता अच्छा नहीं था, और इसलिए उन्होंने सुशांत की बात को मान लिया। बिकॉज सी वॉज ग्रेट ग्रेट लवर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, लॉयल लॉयल लवर, ऐसा उसके हिसाब से लॉयल लवर। लवर, लॉयल लवर, तो वो छोड़ के चली गई। तो ये जो बात है कि 8 तारीख को ही क्यों चली गई, ये बात गलत है। उसको दिशा सालियान की मौत से जोड़ना, ये बात गलत है। मेरा सिर्फ सवाल नीलेश जी आपसे ये है कि बिहार में तब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, आजकल उनका भी इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। गुप्तेश्वर पांडे अपने एक बहुत ही स्मार्ट आईपीएस ऑफिसर को मुंबई इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था। उन्होंने हाल के अपने इंटरव्यू में कहा है गुप्तेश्वर जी ने कि साहब, इतने बड़े स्टार की मौत हुई है, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को यह चाहिए कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जितने लोग जांच करना चाहते हो करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो एजेंसी ऑथेंटिक होनी चाहिए, जो जांच करने वाले, ऐसा नहीं है कि सड़क से राह चलने वाला आदमी भी जांच करने लगे। एजेंसी होनी चाहिए जो ऑथेंटिक होनी चाहिए, मतलब कोई सरकारी पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, बिहार पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, कोई पुलिस हो, सरकारी पुलिस हो, कोई प्राइवेट डिटेक्टिव जांच नहीं कर रहा है।
वैसे तो प्राइवेट डिटेक्टिव को भी इसने बुला लेना चाहिए था सरकार को, लेकिन उनका यह कहना था कि भाई सरकार ने क्यों किसी की जांच को अवरुद्ध करने की कोशिश की, नंबर वन। नंबर टू, हमारे आईपीएस ऑफिस को नजरबंद कर दिया मुंबई में 13-14 दिन तक, और नजरबंद करके तब मुझे लगा कि इस पूरे केस में फॉल प्ले है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मर्डर हुई है, उन्होंने ये कहा कि लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस केस में बहुत मेजर फॉल प्ले है। इतने जो बड़े पत्रकार हैं हमारे राजदीप सरदेसाई जी, क्या उनको यह सवाल पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था कि रिया पहले आपने कहा कि सीबीआई से इसकी जांच करा ली जाए, फिर आप खुद सुप्रीम कोर्ट मूव की कि सीबीआई से इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों किया, यह पूछना चाहिए, या फिर बिहार पुलिस के सवाल का जब पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए बिहार पुलिस के मुद्दे को। सुनिए आशुतोष जी,